जय श्री कृष्णा बच्चों। आज बच्चों हम लोग एक विशेष प्रकार का मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रेंड मोशन दो तरह के कंस्ट्रेंड होते हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड होता है और एक वेज कंस्ट्रेंड होता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड जो है वो रस्सियों का कंस्ट्रेंड होता है, रस्सी से जुड़ा हुआ कंस्ट्रेंड मोशन होता है। और वेज कंस्ट्रेंड जो होता है उसमें हम जो वेजेस होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए कंस्ट्रेंड की बात करते हैं। तो पहले हम आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड सिखाने जा रहे हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड क्या होता है ये सिखाने जा रहे हैं। कंस्ट्रेंड का मतलब ये होता है, कंस्ट्रेंड को फिजिकली अगर आप समझना चाहें तो कंस्ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को किसी खास तरह से चलने के लिए मजबूर कर दें। मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से चलने के लिए अगर मजबूर कर दिया जाए, रस्सी से बांध के, ब्लॉक से बांध के, या किसी नाली के अंदर डाल के, या किसी ग्रूव के अंदर डाल के, किसी खास तरह से चलने के लिए अगर हम उसे मजबूर कर दें तो हम उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। जैसे कंस्ट्रेंट का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे घरों में ड्रेनेज सिस्टम होता है, हम लोग घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी हमारे घर के बगल में एक छोटी नाली होती है उसमें जाता है, फिर उससे जुड़ी एक बड़ी नाले में जाता है, फिर उससे जुड़ा एक बड़ा जैसे नाला कहीं जाके नदी में मिलेगा, फिर नदी समुद्र में जाएगी। तो इस तरह से पानी को हम खास तरीके से चलाते हैं। अगर ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, हम घरों में पानी यूज करते, पानी सड़क पे फैला होता। तो कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है कि हम उसको एक विशेष प्रकार से चलाएं, जो ऑब्जेक्ट है उसको एक विशेष प्रकार से चलाएं। तो जब हम रस्सी से किसी चीज को बांध देते हैं, पहले मैं आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिखाऊंगा। तो जब हम किसी चीज को रस्सी से बांध देते हैं तो रस्सी की जो ज्योमेट्री होती है उस ज्योमेट्री के हिसाब से चीजें मूव करना शुरू करती है। न्यूटन्स लॉ में इसका क्या इस्तेमाल है, न्यूटन्स लॉ में इसका इस्तेमाल ये होता है, न्यूटन्स लॉ जो है उसके अंदर उसका इस्तेमाल ये होता है कि जो कंस्ट्रेंट मोशन है उस कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे न्यूटन्स लॉ से मान लीजिए हमें तीन इक्वेशन मिले और वेरिएबल चार हैं, तो एक जो एक्स्ट्रा इक्वेशन होता है उसको हम कंस्ट्रेंट की मदद से निकालते हैं। अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन जो है वो हम कंस्ट्रेंट की मदद से निकालते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक वेज कंस्ट्रेंट। तो हम पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं बाधित गति, बाधा पहुंचाना, एक खास तरह से चलाना उसको। ऐसे जा रहा है, रास्ते में कोई दीवार आ गई तो उसको इस तरह से जाना पड़ेगा, तो एक कंस्ट्रेंट हो गया, एक उसके सामने, जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ में बड़े कंस्ट्रेंट हैं। अगर आपके सामने ये आईटी की तैयारी वाला कंस्ट्रेंट नहीं होता, आप जैसे पुराने जमाने में आदिवासी जैसे जंगलों में रहते थे तो आप इतनी सुबह उठते नहीं, सुबह उठ के होमवर्क करना, फिर पढ़ाई करना, फिर क्लास अटेंड करना, फिर उसके बाद जो है ट्यूशन करना या कोचिंग करना, स्कूल जाना, तरह तरह के कंस्ट्रेंट हैं आपकी लाइफ में ना। तो वो कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको इन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही काम करना है। एकदम फ्री होते तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई इस तरह का मान लो नहीं होता, पुराना 10,000 साल पहले अगर आप जन्म लेते तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स आपके सामने नहीं थे, लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन ने तरह तरह के कंस्ट्रेंट डाल दिए आपके सामने। कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है कि हम उसको एक खास तरह से चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट जो है वो बहुत सिंपल सा है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। स्टेटमेंट ये है कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी अगर खींचती नहीं है तो रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है, बस इतना सा इसका स्टेटमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं इसके। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम प्रोवाइडेड द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम प्रोवाइडेड द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। रस्सी की लंबाई सेम रहती है अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी के अंदर अगर खिंचाव नहीं हो पाता है तो रस्सी की लंबाई हमेशा सेम रहती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, हम लोग इस कंस्ट्रेंट मोशन को यूज करके तरह तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट का यूज आप ऑलरेडी कर चुके हो, कई जगह पे कर चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपने कंस्ट्रेंट का यूज किया है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए ये एक ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक बी है,
इसका एक्सेलेरेशन A1 अगर नीचे की तरफ होगा और इसका A2 होगा, तो बहुत पहले ही आप ये बता चुके हो कि A1 इज इक्वल टू A2 होता है। किसी से पूछ लो, छोटे बच्चे से पूछ लो, वो भी बता देगा। इतना देखने से फील आ जा रही है, देखने से फील ये आ रही है कि अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो रस्सी की लंबाई फिक्स है, तो अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो ये 1 मीटर ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये जितना नीचे जा रहा है उतना ये ऊपर चला जा रहा है, तो A1 और A2 दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये हमने दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ले लिया था। अगर आप याद करें तो इसका एक्सेलेरेशन निकलवाया भी था ना मैंने, m2 - m1 / m2 + m1 × g, और टेंशन जो आएगा ट्वाइस ऑफ द m1 × g / m1 + m2। तो इस तरह से ये इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो इन दोनों के एक्सेलेरेशन बराबर है। या जैसे आपने वेज में देखा था, वेज के अंदर आपने ये देखा था, एक ब्लॉक था, ये दूसरा ब्लॉक था, इस पे फोर्स लगा के मैं चला रहा था, तो इन दोनों का एक्सेलेरेशन आपने सेम लिया था। सेम क्यों लिया था, क्यों सेम लिया था, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये वेज जो है ये ऐसे दबेगा तो है नहीं, तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इनके वेज जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये भी आगे बढ़ेगा, तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम ले लिया था। तो बेसिकली क्या होता है कि कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल हम लोग ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालने में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ से जो रिलेशन होते हैं वो पूरे नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं और उसका एक्सेलेरेशन का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग कंस्टेंट रिलेशन को कैसे यूज करते हैं और कैसे अलग अलग पार्टिकल्स के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एक मैं क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन में कई तरह से मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए ए है, ये बी है, और ए का एक्सेलेरेशन मैंने स्मॉल ए मान लिया और बी का एक्सेलेरेशन मैंने स्मॉल बी मान लिया, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी में रिलेशन निकालना है, इन दोनों के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालना है। तो इनके इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालने के कई सारे मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन का मतलब इंस्पेक्ट करके, जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, पुलिस का इंस्पेक्टर होता है, तो इधर उधर जाके इंस्पेक्शन करता है, देखता है कौन सी चीज सही चल रही है कौन सी गलत चल रही है। तो इंस्पेक्शन मेथड जो होता है उसमें हम देख करके बताते हैं कि एक्सेलेरेशन में रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंस्पेक्शन मेथड। जो इंस्पेक्शन मेथड है वो क्या होता है, इसको देखिएगा, थोड़ा देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग चीजों को देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके और फिर हम बताते हैं कि एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी सेम क्वेश्चन में मैं ये मान लेता हूं कि ये पुली, जैसे ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो ये पुली 1 मीटर ऊपर चलेगी, ऐसा मानता हूं मैं कि ये पुली 1 मीटर ऊपर चलेगी, एक मीटर के बराबर ऊपर चली गई है, ये 1 मीटर अगर ऊपर गई तो देखो ध्यान से, अगर आप इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, सिर्फ देख के बताना होता है, उसके अंदर कोई ऐसा ऑफिशियल मेथड नहीं कि हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, हम देखेंगे और देख के बता देंगे। तो अगर मैं मानता हूं कि ये पुली 1 मीटर ऊपर चली गई है, तो 1 मीटर रस्सी यहां से खाली हो जाएगी, 1 मीटर यहां से खाली हो जाएगी, भाई ये पुली यहां से यहां पहुंच गई तो 1 मीटर यहां से खाली हो जाएगी, 1 मीटर यहां से खाली हो जाएगी। अब ये 2 मीटर जो रस्सी खाली हुई है वो इस तरफ ही तो भरेगी, तो अगर ये 1 मीटर ऊपर जाएगा तो फिर इसको 2 मीटर नीचे आना पड़ेगा, और अगर इसको 2 मीटर नीचे आना पड़ेगा तो अब अगर इसका एक्सेलेरेशन 1 होगा, इसकी वेलोसिटी 1 होगी तो इसकी 2 आ जाएगी, इसका एक्सेलेरेशन 1 होगा तो इसका 2 आ जाएगा। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि बी जो है 2a के बराबर है। इंस्पेक्शन मेथड से सीधे देखिए, ये मेथड उन बच्चों के लिए होता है जो टारगेट के बच्चे होते हैं। टारगेट का मतलब जिन्होंने एक बार कर रखा है दूसरी बार कर रहे हैं,
पहली बार इंस्पेक्शन मेथड से बहुत आसानी से चीजें दिखाई नहीं पड़ती, अगर आप देख लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेथड यूजुअली उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, या तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे जैसे बच्चे 150 के अंदर रैंक लाने वाले बच्चे जो होते हैं उनको, उनके लिए यूजफुल होता है, या फिर जो रूटीन बच्चा होता है उसके लिए क्या है कि ये मेथड पहली बार में इंस्पेक्शन मेथड से नहीं होते सवाल, जब आप रिपीट करने लगो कभी तब ये दूसरी बार या सवाल करो तब होते हैं। खैर, इसमें जैसे हमने देखा कि इस बुली को 1 मीटर नीचे लगा तो 1 मीटर यहाँ लंबाई कम हो गई, एक यहाँ कम हो गई, तो अब ये जो लंबाई है ये 2 मीटर कम हो जाएगी, ठीक है, तो बी की वैल्यू जो है वो 2a के बराबर आ जाएगी। ठीक, ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया, इंस्पेक्ट करके हम पता लगाते हैं कि यहां पर क्या हो गया। दूसरा इसके अंदर जो मेथड आता है, उस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसके अंदर हम लोग लंबाइयां एज्यूम करते हैं, किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंसेस को एज्यूम करते हैं और एज्यूम करके फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये देखें आप, तो ए और बी का रिलेशन निकालना है, एक मेथड तो इंस्पेक्शन मेथड आपको सिखाई दिया मैंने कि देखें और देख करके पता लगाएं कि भाई कौन सा इनमें आपस में क्या रिलेशन है। दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मासेस चल रहे हैं ना, दूसरा वाला जो मेथड है उतना यूजफुल मेथड नहीं है लेकिन फिर भी मेथड तो सारे सीखने हैं, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी मासेस मूव कर रहे हैं, जैसे ये वाली पुली मूव कर रही है तो इसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मैंने L1 मान ली, और जो दूसरा वाला है इसके किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मैंने L2 मान ली, पहले वाले की L1 मान ली, दूसरे वाले की L2 मान ली, और रस्सी की टोटल लेंथ जो, इस तरह के जो सवाल है 2 ब्लॉक हो 3 ब्लॉक हो 5 ब्लॉक हो उससे मतलब नहीं है, जो भी मूविंग मासेज हैं उनके किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमने किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मान लेते हैं, L1 L2 L3 L4 L5 L6 मान लेते हैं, और उन डिस्टेंसेस के टर्म में उसकी टोटल लंबाई को लिखते हैं, जो रस्सी है उसकी टोटल लेंथ को उन जो डिस्टेंसेस हमने एज्यूम की है उसके टर्म्स में लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये L1 है, ये L1 है, तो अब अगर मैं इस रस्सी की टोटल लंबाई को लिखता हूं तो ये हो जाएगा L1 प्लस ये वाली लंबाई भी L1 होगी, इसके अंदर कोई कांस्टेंट है, ये लंबाई कोई कांस्टेंट है तो मैं उसको मान लो C मान लेता हूं, C1 भाई ये टोटल L1 था, इस दूरी को मैंने C1 मान लिया, प्लस ये वाली जो लंबाई है इसको मैंने L2 मान रखा है, ये रस्सी की टोटल लंबाई है, ठीक है, टोटल लेंथ है रस्सी की। कांस्टेंट रिलेशन ये कहता है कि टोटल लंबाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो जैसे 2L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस C1, कैपिटल L भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इस पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ L1 ओवर dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ L2 ओवर dt, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, L1 का डिफरेंशिएशन जो है, L1 का जो भी डिफरेंशिएशन है वो V1 होगा, ठीक है, और L2 का डिफरेंशिएशन मतलब L1 जो है बेसिकली इस पुली की डिस्टेंस है, तो जो पुली की वेलोसिटी होगी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, तो इसकी वेलोसिटी को मैं VA लिख देता हूं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स VA प्लस VB इज इक्वल टू 0, क्योंकि L और C1 कांस्टेंट थे, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो VA का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0, हाँ ये हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे L1 की वैल्यू क्या हो रही थी, L1 की वैल्यू ये ऊपर जा रहा था तो L1 घट रहा था, अगर घट रहा था तो जो चीज घटती है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, तो ये माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन मैंने बी माना था और ए का ए माना था, तो बी इज इक्वल टू 2 आ गया। ये एक दूसरा तरीका हो गया, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस मेथड में जैसे 2, 3, 4 जितने भी ब्लॉक है सबकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस एज्यूम कर लेते हैं, फिर वो जो डिस्टेंसेस हमने एज्यूम करी थी उनके टर्म्स में रस्सी की टोटल लेंथ को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं, रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और बाकी जो मासेस की डिस्टेंस हमने मानी थी उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे L1 घट रहा है
तो L1 अगर घट रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, तो हमें माइनस टू बी ए कर दूंगा, प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो एक्स बी का एक्सेलेशन ए के एक्सेलेशन का डबल आ गया, टू टाइम्स ए के बराबर हो गया। ये जो है दूसरा वाला मेथड हो गया जिसमें हम कंस्टेंट का यूज करते हैं, रस्सी की लंबाई फिक्स है उस बात का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसके अंदर मेथड आता है, थर्ड एक मेथड आता है, इसे हम लोग वर्क मेथड कहते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड भी कहते हैं, वर्क मेथड भी कहते हैं। सबसे जो यूजफुल मेथड है इस तरह के सवालों में, वर्क मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, अलग अलग नामों से जानते हैं, सबसे यूजफुल मेथड यही है। ये मेथड जो होता है वो ये मेथड कहता है, इसका जो प्रूफ है वो मैं जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तब वहां पर आएगा प्रूफ। लेकिन ये मेथड बड़ा सिंपल है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मान लो एन मासेज हैं, एन मासेज हैं, रस्सियों से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो टी वन डॉट वी वन प्लस टी टू डॉट वी टू प्लस टी थ्री डॉट वी थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा टी वन डॉट वी वन प्लस टी टू डॉट वी टू प्लस टी थ्री डॉट वी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन सब का जो जोड़ है वो जीरो के बराबर है। इन सब का जोड़ अगर जीरो के बराबर है इसका मतलब ये है कि इन सब का डॉट प्रोडक्ट है। ये यहां पर आपको समझना है कि टी वन डॉट वी वन प्लस टी टू डॉट, जैसे मान लो पहले ब्लॉक पे जो रस्सी है, दो पहले ब्लॉक पे दो तीन रस्सी लगी, सब मिला जुला के पहले ब्लॉक पे टेंशन जो आ रहा है, नेट टेंशन आ रहा है टी वन, और पहले ब्लॉक की वेलोसिटी वी वन है, तो टी वन डॉट वी वन। दूसरे ब्लॉक पे नेट टेंशन टी टू लग रहा है, नेट जो भी होगा वो इधर उधर ऊपर नीचे यहां वहां से कुल मिला जुला के जितना भी टेंशन लग रहा है T2, टी टू डॉट वी टू प्लस टी थ्री डॉट टी थ्री इज इक्वल टू जीरो। और अगर हम इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा टी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू जीरो। ये वर्क मेथड है और इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से वेलोसिटीज और एक्सेलेरेशन में इन सब में रिलेशन निकाल सकते हैं। इस वर्क मेथड की को यूज करते हुए बड़ी आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए, ये वाला देखें, इस वाले ब्लॉक को देखें। अगर मैं इस रस्सी का टेंशन टी मान लेता हूं, इसका टेंशन टी है, तो यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, और इस जगह पर जो टेंशन आएगा ये टू टी आ जाएगा, इस जगह पर टेंशन टू टी आ जाएगा। अब इस वाले ब्लॉक पे अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है वो टू टी लग रहा है, और ब्लॉक की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ ही है, तो टेंशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं इसके लगाऊंगा तो दो ब्लॉक है ना, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ये टी वन डॉट वी वन प्लस टी टू डॉट वी टू, टी वन डॉट वी वन प्लस टी टू डॉट वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक के लिए करता हूं, इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इस पर टेंशन लग रहा है टू टी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में, टी ए डॉट वी ए प्लस टी बी डॉट वी बी इज इक्वल टू जीरो। टी ए डॉट वी ए प्लस टी बी डॉट, अब इस पर जो ए पे जो टेंशन लग रहा है वो टू टी लग रहा है, और ए की वेलोसिटी मैंने वी ए मान ली, तो ए पे टेंशन टू टी, तो टू टी इंटू वी ए इंटू कॉस जीरो, डॉट प्रोडक्ट याद करो, ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा। यहां पे देखो टेंशन भी ऊपर ही लग रहा है इस पे, और वेलोसिटी भी ऊपर ही है, ऊपर ही जा रहा है ना, दिखा रखा है क्वेश्चन में, तो टू टी इंटू वी ए कॉस जीरो प्लस इस वाले पर जो टेंशन है, इस वाले पर जो टेंशन है वो तो ऊपर की तरफ है लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये हो जाएगा टी इंटू वी बी कॉस ऑफ 180। अगर अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है ना, कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कॉस 0 1 हो गया, तो 2 बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, तो 2 बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो वी बी जो आएगा इसके बराबर हो जाएगा 2 बी ए, बी की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो ए की वेलोसिटी के डबल आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो देखें यहां पर भी आप देखें तो वही तो आ रहा है, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी की डबल आ जाएगी। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए का जो एक्सेलेरेशन है वो, सॉरी, बी का एक्सेलेरेशन ए के एक्सेलेरेशन का डबल आ जाएगा। बी के एक्सेलेरेशन को मैंने बी बोला था और ए के एक्सेलेरेशन को मैंने ए बोला था, ठीक है, तो बी की वैल्यू जो होगी वो टू ए के बराबर हो जाएगी। तो ये भी एक मेथड हो गया और सबसे यूजफुल मेथड यही है।
आईआईटी में जो सवाल जितने भी आज तक आए हुए, नीट में जितने भी आए, हर सवाल में ये मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, कादरे यार कभी कोई होगा एंगल थीटा दे दिया हो, उसमें भी लग जाएगा, थोड़ा सा परेशानी आती है। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है कंस्ट्रेंट मेथड का, जिसकी मदद से हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स के को यूज करते हुए एक्सेलेरेशन का रिलेशन निकाल पाते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे रिलेशन आते हैं जहां पर हमें क्या करना होता है कि पुली भी चल रही होती है। अगर पुली रुकी हुई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पुली भी चल रही होती है और उस केस में भी हमें एक्सेलेरेशन को रिलेट करना होता है, पुली के एक्सेलेरेशन और ब्लॉक के एक्सेलेरेशन को रिलेट करना होता है। अगर रुकी हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पुली चल रही है तब A1, A2 और AP में, ये पुली का जो एक्सेलेरेशन, इसको मैं AP बोल रहा हूं, तो A1, A2, AP में क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक A1 से नीचे आ रहा है, ये A2 से नीचे आ रहा है और पुली का एक्सेलेरेशन AP के बराबर है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लो कि ये जो पुली है इस पे मैंने अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया, जानबूझ के मैंने इसका स्माइलिंग फेस बनाया है, तो अगर मैंने इस पे अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया तो पुली के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलेरेशन होगा, अगर पुली के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पुली रुक जाएगी और इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा A1 माइनस AP, और पुली के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो हो जाएगा A2 माइनस AP। पुली के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन होगा A1 माइनस AP और इसका एक्सेलेरेशन होगा A2 माइनस AP, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि अगर पुली रुकी हुई है तो अगर ये नीचे जा रहा होगा तो फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, पुली तो रुकी हुई है नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। तो अब पुली के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पुली रुक जाती है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन A1 माइनस AP, इसका A2 माइनस AP, A1 माइनस AP इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 माइनस AP। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, AP जो आएगा वो किसके बराबर जाएगा, A1 प्लस A2 अपॉन 2, ये AP आ जाएगा। तो पुली का जो एक्सेलेरेशन होगा वो इन दोनों के एक्सेलेरेशन के जोड़ का आधा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि अगर पुली चल रही है तब पुली का एक्सेलेरेशन दोनों के जोड़ का आधा होगा, नहीं चल रही तब भी होगा। कैसे, अगर नहीं चल रही तो AP जीरो होगा, AP जीरो होगा तो ये जीरो कर देंगे तो A1 बराबर माइनस A2 आ जाएगा, A1 बराबर माइनस A2 का मतलब भाई अगर पुली रुकी हुई है तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। तो पुली का जो भी एक्सेलेरेशन होता है वो इन दोनों के एक्सेलेरेशन के एवरेज के बराबर होता है। अभी जो कंस्ट्रेंट रिलेशन मैंने आपको सिखाया है, कई तरह से मैंने आपको बताया, अब इनको हम यूज करना आपको सिखाएंगे। मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा जहां पर आप दो ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का रिलेशन पता लगाओगे, उनका एक्चुअल में क्या आएगा टेंशन या उनका एक्सेलेरेशन वो नहीं, हम बस रिलेशन पता लगाना चाह रहे हैं। तो दो ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन को किस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं वो रिलेशन सिखाने जा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ये ब्लॉक मान लिया A है, ये ब्लॉक B है और इसका एक्सेलेरेशन मैंने स्मॉल A इधर मान लिया, इसका स्मॉल B इधर मान लिया। तो अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये आ रहा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल A एंड स्मॉल B, स्मॉल A और स्मॉल B के एक्सेलेरेशन में रिलेशन बताना है। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल A एंड स्मॉल B। अब अगर हमें स्मॉल A और स्मॉल B के बीच रिलेशन निकालना है तो मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, रिलेशन निकालना है तो मैं वही करूंगा, दो ब्लॉक है अपने पास A और B, तो मैं यही लिखूंगा T1.VA या TA.VA प्लस TB.VB इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, TA.VA प्लस TB.VB इज इक्वल टू जीरो। अब TA, A जो है, जैसे इसका टेंशन मैंने T माना, इसका T होगा तो इसका कितना हो जाएगा 2T। तो TA जो होगा, TA इसमें सबसे पहले अगर एक इसका टेंशन TA, इसका T है तो इस वाले का 2T हो जाएगा, तो A का टेंशन 2T हो गया। और ध्यान से देखें तो ये नीचे की तरफ आता वो मान रहे हैं, तो टेंशन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस लगा देता हूं मैं यहां पे, माइनस VA प्लस इसका टेंशन आगे की तरफ है और वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, तो जैसे टेंशन आगे की तरफ हुआ वेलोसिटी आगे की तरफ हो गई, तो ये कितना हो जाएगा T.VB। ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा, जीरो के बराबर हो गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो VB जो आएगा वो 2VA आ जाएगा,
बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी की डबल, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए बी जो आएगा ए बी हो जाएगा 2AA और AB, B का जो एक्सेलेरेशन है वो हमें पता लगाना है, तो B का हमने B मान रखा था और A का A मान रखा था, 2TA हो जाएगा, तो B की वैल्यू 2TA के बराबर हो जाएगी, यानी जिसका टेंशन डबल है उसकी वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन आधा होगा, इसका टेंशन डबल था ना, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलेरेशन का रिलेशन अलग अलग सिचुएशन में निकाल सकते हैं। एक और सवाल बच्चों देखिए, कांस्टेंट मोशन को कैसे यूज करते हैं, इसको करने के हिसाब से सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये एक और पुली है और ये रस्सी आके अल्टीमेटली दीवार से बंध गई, ये जो रस्सी है ये अल्टीमेटली आकर के दीवार से बंध गई है और हम कुछ फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं और इसका एक्सेलेरेशन है स्मॉल ए और इसका एक्सेलेरेशन है स्मॉल बी, समझे, ये ब्लॉक है जिसका नाम ए रख दिया है भगवान ने, ठीक है, और इस ब्लॉक का नाम बी रख दिया है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, ये वाला बी से जा रहा है, तो ए और बी में जो रिलेशन है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर इस रस्सी का टेंशन में टी मान लू तो इसका भी टी आएगा, ये इधर खींच रहा होगा और इसका आ जाएगा टू टी, उसी तरह से इसका भी टू टी आ जाएगा, उसी तरह से इसका भी टू टी आ जाएगा और इसका जो आएगा वो भी टू टी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए अगर मैं देखूंगा तो सिग्मा टी आई डॉट वी आई, इसके और इसके दोनों के लिए मिला के ये जीरो के बराबर होगा। तो अब देखो इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है, इसके ऊपर इधर लग रहा है 4T और एक्सेलेरेशन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसके लिए लिखूंगा -4T और ए ब्लॉक है तो इसकी वेलोसिटी को मैं वी ए बोल देता हूं। इसके लिए देखो इधर 5T लग रहा है, 5T लग रहा है और इसका जो वेलोसिटी है उसको मैं वी बी बोल देना हूं, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टी से टी चला जाएगा और वी बी जो आएगा वी बी ये 4VA के बराबर हो जाएगा, बी की जो वेलोसिटी होगी वो ए की वेलोसिटी के 4 गुना हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 times द वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो नहीं 5VB आएगा, 5VB इज इक्वल टू 4V हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो VB जो है वो B की जो वेलोसिटी है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा, तो 5 times B इज इक्वल टू 4 times A, तो ये इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलेरेशन को रिलेट कर सकते हैं। और देखो और रिलेशन बढ़िया बढ़िया निकाल के सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक रिलेशन ये है, एक ब्लॉक है इस तरह का है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, सपोज करो ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है और ये बी से ऊपर जा रहा है, एक ए से नीचे आ रहा है एक बी से ऊपर जा रहा है, तो आपको ए और बी के एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालना है, ए और बी के एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के एक्सेलेरेशन में रिलेशन, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो जैसे ये ए जो है वो ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, बी जो है वो बी एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। अब फिर से भाई टेंशन वाला जो मेथड है बेस्ट मेथड है, मैं मान लेता हूं कि इसका टेंशन टी हो गया, इसका भी टी होगा, ये टी तो ये टू टी हो जाएगा, ये टू टी होगा तो ये वाला भी टू टी हो जाएगा,
ये टूटी ये टूटी तो ये हो जाएगा 4t, ये 4t हो जाएगा तो फिर ये भी 4t हो जाएगा, ये t हो गया, ये 2t हो गया, ये 4t हो गया। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये नीचे वाला ब्लॉक है इस पे यहां से t लग रहा है, यहां से 2t, यहां से 4t, तो 4 + 2 + 1 तो ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 70 और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो इंटू बी, एक ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव आएगा, इस पर टी ऊपर की तरफ है, ए नीचे की तरफ है तो -t इंटू ए, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2b, सॉरी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7b, ये हो जाएगा इसका रिलेशन, मतलब वही है सिग्मा टी आई डॉट वी आई इज इक्वल टू जीरो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, टेंशन और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट का जो जोड़ आता है वो हमेशा जीरो आता है। तो जैसे इसके ऊपर 70 लग रहा था और इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ ही थी तो 17 टू बी, इस पे टी ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ तो -t इनटू ए इज इक्वल टू 0, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 7b के बराबर आ जाएगी, तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू 7b। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन को रिलेट कर सकते हैं।